पर हम यहाँ पर एक बहुत ठीक है एफिडेविट ले रहे हैं, रिट लगा रहे हैं इसके लिए, ठीक है हम एक रिट लगा रहे हैं कोर्ट के यहाँ पर, किसी अच्छे वकील के माध्यम से ठीक है कोर्ट में जाएंगे, ठीक है सिलेबस जो आपने दिया उस सिलेबस के बाहर जो प्रश्न आपसे पूछे गए उन प्रश्नों को हम हटवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस भर्ती प्रक्रिया में जल्द ही कोर्ट में याचिका और एफिडेविट दायर होने वाला है, और इसमें गलती ना शिक्षक की है ना ही स्टूडेंटों की है, क्योंकि स्टूडेंट ने रात दिन ये करके मेहनत करके तैयारी की है, और फिर भी सिलेबस से बाहर जो पेपर आना और पेपर में इतनी बड़ी गड़बड़ी जो आप सभी देख सकते हैं कि अब हाईकोर्ट से उम्मीद है कि इसमें क्या निर्णय आता है। और जो जितने भी स्टूडेंट हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जो भी सबूत है वो इस भर्ती प्रक्रिया से लेकर या गड़बड़ी लेकर के वो आप ज़रूर साझा करें। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपसे छोटी से छोटी भी जो भी सबूत है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है इस भर्ती प्रक्रिया में इस गड़बड़ी को निरस्त करने के लिए, क्योंकि बोर्ड के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है, जो वरिष्ठ का पेपर बेसिक में और बेसिक का पेपर वरिष्ठ में, जिससे जो लगभग 17-18 घंटे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपनी जॉब छोड़ करके इस भर्ती प्रक्रिया में इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, एक सपना देख रहे थे गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी लगने का, तो इसी सपने से उन्हें खामियाजा इस बोर्ड की लापरवाही से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही और बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। और जितने भी कोचिंग संस्थानें हैं जो सहयोग कर रही है उन सभी का तहे दिल से सहयोग धन्यवाद, और जो जो कोचिंगें हैं सभी से निवेदन है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की आप तैयारी करा रहे हैं तो आप बेरोजगार जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से पीड़ित स्टूडेंट है उन सभी का सहयोग करें, तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि अब जल्द ही आपको कोर्ट में आइए भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी और कोर्ट का क्या निर्णय होता है जो आप सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में पहले ही असमंजस है, कभी 30% बोनस अंक को लेकर, कभी सुविधा को लेकर, कभी कुछ और, अब ये क्राइटेरिया 40% जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसको लेकर भी असमंजस है, कुछ स्टूडेंट इसे हटाना चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, अब इस पर क्या डिसीजन होता है, सारे स्टूडेंट एकजुट होकर के अपनी मांग को खुद को ही उठाना होगा, अपनी आवाज़ खुद को ही बुलंद करनी होगी, जो जो कोचिंग संस्थाएं सहयोग कर रही है वो आगे ज़रूर आए, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, आपके पास जो भी सबूत है इस भर्ती प्रक्रिया से लेकर के, और जो रद्द कराना चाहते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं हो सकती जब तक आपके पास जो भी पुख्ता सबूत नहीं होगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो और अपनी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत करें। थैंक यू।